हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी, करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आईफा 2024 कंक्लूड हो चुका है और करीबन 15 अवार्ड्स के बारे में हम यहां पर बात करेंगे कि सब कुछ सही मिला है एकदम के नहीं मिला है। पहली बार मैं ये बोल सकता हूं कि मोटे मोटे लेवल पे अगर हम कमर्शियल सिनेमा के बारे में बात करें तो वो मोटा मोटा लेवल पे, मतलब मैं खुश हूं इसके आउटपुट से। थोड़ा सा और बेहतरीन हो सकता था, बट डिस्कशन करते हैं, उल्टी गिनती शुरू करते हैं। पहले तो 15th नंबर पे है अचीवमेंट ऑफ कंप्लीटिंग 25 सिनेमा, वो करण जौहर को मिला है। तो जो जिसको ये अचीवमेंट जो होती है वो मतलब लगातार सक्सेसफुल मूवीज देने के बाद होती है और आसान काम नहीं होता, नेगेटिविटी को भी क्रॉस कर पाना, हाई बॉलीवुड को भी क्रॉस कर पाना। तो आई थिंक 25 इयर्स के बाद अगर मिला है तो ठीक ही मिला है। आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, जयंतिका गाडा, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूस करी हैं, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और हेमा मालिनी के साथ उन्होंने शेयर किया, बहुत जबरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दोनों का ही, तो आई थिंक वेल डिजर्व्ड। बेस्ट सिंगर फीमेल का मिला है शिल्पा राव को छलिया, जो कि जवान मूवी का था, मेरे ख्याल से बहुत ही सुरीला गाया था, मेरे को बहुत पसंद आया था। बेस्ट सिंगर के अंदर भूपिंदर बाबल को मिला है, जिन्होंने अर्जुन वेली गाया है और लोगों ने इसको रिपीट मोड पे लगाया है, मजा ही आ गया लोगों को सुन के। ये जिस तरीके का थ्रू था ये एनिमल का गाना, पूरी एल्बम ही बहुत शानदार थी, अच्छा लगा। लेकिन मुझे एक और गाना इसका बहुत ज्यादा पसंद था और कहीं ना कहीं शेयर हो जाता तो ज्यादा अच्छा लगता, हुआ मैं गाना जो है वो भी मैंने बहुत ज्यादा लगातार लूप में सुना है। राघव चैतन्या ने उसको गाया था, तो मेरे को लगता है कि राघव चैतन्या भी शेयर कर सकते थे, काफी अच्छा इफेक्टिव तरीके से गाया था। बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला है सिद्धार्थ और गरिमा को सतरंगा एनिमल के लिए। ठीक है, ये और बेहतरीन गाने भी थे, जरूरी नहीं कि ये चार्ट बस्टर्स हों तभी आपको ये वाला मिलता है, लिरिक्स ज्यादा मीनिंगफुल होने चाहिए। और मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं सैम बहादुर के अंदर कुछ कुछ गाने इस तरीके थे जो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल थे, तो मैं ये बोलूंगा कि शायद वहां मिल जाता तो ज्यादा बेटर था। बेस्ट म्यूजिक एनिमल, नो डाउट, जितने भी सक्सेसफुल एल्बम्स हैं, इनफैक्ट पठान की बहुत सक्सेसफुल एल्बम है, जवान की बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन जितने मतलब चार्ट बस्टर थे, रिपीट मोड वाला जो जोन था मेरे ख्याल से एनिमल का ही था। बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत ही शानदार था, तो बहुत अच्छा लगा। बेस्ट स्टोरी दो तरीके से प्रेजेंट हुई है, 9th नंबर पे थी बेस्ट स्टोरी विच इज अडेप्टेड फ्रॉम रियल लाइफ, वो थी 12th फेल, इसी को मिलना था जिस तरीके से ये प्रेजेंट हुआ था। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट जो है वो 12th फेल नहीं था, मेरा एक्चुअली मेरा पर्सनल फेवरेट सैम बहादुर था, जिस तरीके से वो प्रेजेंट हुआ, जिस तरीके से आप बिल्कुल ऐसे लगने लगे कि आपके सामने सैम बहादुर ही है। बट इंस्पिरेशन के हिसाब से देखा जाए तो 12th फेल दोनों को मिश्रण करके कुछ दिया जा सकता था। सैम बहादुर को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा मेरे ख्याल से बेवकूफी थी, क्योंकि वो बहुत ही वेल डायरेक्टेड भी थी और इनएक्टेड भी थी। बेस्ट स्टोरी मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, आई डोंट थिंक दैट मूवी डिजर्व्स सच अ बिग अवार्ड, बिकॉज स्टोरी में डेप्थ होनी चाहिए जहां पर आप कुछ सीख पाओ उससे और कुछ अलगपन होना चाहिए। ऐसी स्टोरी बहुत सारी बन चुकी है ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल से जो कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी कंप्लीटली, वो ओ माई गॉड 2 थी। अगर ट्रूली देखा जाए ऐसी स्टोरी आपने कभी नहीं देखी होगी, तो उसकी ब्रेव अटेम्प्ट के लिए मेरे ख्याल से उसको रिकॉग्निशन बनना मिलता था, तभी ऐसे बोल्डर सब्जेक्ट्स जो है मार्केट में और आ पाएंगे। 7th नंबर पे बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल एनिमल के लिए बॉबी देओल, हैट्स ऑफ, जिस तरीके का क्रेज बना आई थिंक बहुत ही जबरदस्त था। ये शेयर भी हो सकता था जिम के साथ, यानी कि जॉन इब्राहिम का जो पठान का रोल था वो काफी ज्यादा इफेक्टिव था, मेरे ख्याल से ये दोनों शेयर कर सकते थे। बट अगर एक को देना है तो मेरा चॉइस थोड़ा सा जो इंक्लिनेशन जाएगा बॉबी देओल को जाएगा, लेकिन जो मन जा रहा है वो जा रहा है जॉन इब्राहिम की तरफ भी, क्योंकि बॉबी देओल का रोल बहुत छोटा था और जॉन इब्राहिम का जो रोल था वो काफी सिग्निफिकेंट था, तो आपको वेरिएशन दिखाना था यहाँ पर, तो मेरे ख्याल से ये शेयर होना चाहिए था, सिर्फ एक को नहीं मिलना चाहिए था। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है शबाना आजमी जी को रॉकी और रानी को, मुझे नहीं लगता कि शी वॉज डिजर्विंग इनफ, बड़ा ही एक ही तरीके का कैरेक्टराइजेशन था और उससे काफी ज्यादा बेटर था, जिससे आपको हेट होनी शुरू हो जाती है सेम ही मूवी के अंदर जया बच्चन जी का, तो वो उनको क्यों नहीं मिला आई डोंट नो, बट जया बच्चन जी वॉज मोर डिजर्विंग हेयर। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अनिल कपूर को मिला है एनिमल के लिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी फॉर श्योर, बट अगर जॉन इब्राहिम को नेगेटिव रोल के लिए नहीं मिला था और उसका जो रोल जिस तरीके से शेपअप हुआ एंटी हीरो वाले की तरीके से होना शुरू हो गया, तो सपोर्टिंग एक्टर का भी मिल सकता था, यहां पर उसको एडजस्ट किया जा सकता था किसी तरीके से, बट नहीं मिला। अनिल कपूर जैसे जो रोल है वो और भी लोग कर सकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर, लेकिन काफी इफेक्टिव था, मतलब यहाँ पर कोई कोई सैडनेस नहीं है, लेकिन अगर मिल जाता थोड़ा रिकग्निशन जॉन इब्राहिम को भी तो अच्छा रहता। बेस्ट डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा 12th फेल,
वेरी इफेक्टिव मूवी, वेरी वेल डन. कुड हैव बीन शेयर्ड अगेन एज आई सेड विद मेघना गुलजार जो उन्होंने सैम बहादुर बनाई थी. दोनों ही मूवी बहुत इफेक्टिव थी. थोड़ा कई बार चॉइस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये दोनों मूवी को शेयर करना चाहिए था. आई थिंक ये बेस्ट डायरेक्टर वाला. बेस्ट एक्ट्रेस नो डाउट, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है. रानी मुखर्जी मिसेस स्ट्रैटेजी वर्सेज नॉर्वे, ऐसी एक्टिंग और किसी ने करी ही नहीं है, तो यही इन्हीं को ही मिलना चाहिए था. बहुत से और प्लेटफॉर्म ने इनको नहीं रिकग्नाइज किया, आईफा ने किया, तो बहुत अच्छी बात है. बेस्ट एक्टर मिला शाहरुख खान को जवान के लिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करी, बहुत इफेक्टिव रहा. बट क्या ये बेस्ट एक्टिंग थी जो रिकग्नाइज होनी चाहिए थी? मेरे ख्याल से नहीं, सॉरी. बट अगर हम बोलें कि एक क्रिटिक्स चॉइस होता है, एक होता है पब्लिक की चॉइस, तो पब्लिक की चॉइस वाला बेस्ट एक्टर शायद शाहरुख खान हो सकते हैं. बट जो इफेक्टिव थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा दमखम था, या तो विकी कौशल को मिलना चाहिए था सैम बहादुर के लिए, क्योंकि वो पार एक्सेलेंस वाली एक्टिंग थी, या फिर रणबीर कपूर को एनिमल के लिए. ये ऑर्डिनरी एक्टिंग नहीं है, ये इसको कैरी करने के लिए, इस तरीके की एक्टिंग करने के लिए अलग तरीके की ट्रेनिंग चाहिए होती है. तो इन दोनों में से किसी एक को मिलना चाहिए था, देवर मोर डिजर्विंग. बेस्ट फिल्म मिली है एनिमल को, संदीप रेड्डी वांगा को. अगर तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया तो येस, इट इज वेरी वेल मेड, द कनेक्शंस आर नाइस. चाहे वो जूते वाला सीन ही क्यों ना हो कंट्रोवर्शियल, लेकिन उसको इनकम्प्लीट छोड़ देना, पूरा फुल फ्लो ना जाना, काफी समझदारी से इसको लिखा भी गया और शूट भी किया गया, तो अच्छी बनाई है ये मूवी. बट मेरे ख्याल से जवान भी बहुत ज्यादा डिजर्विंग थी यहाँ पर बेस्ट मूवी के लिए, क्योंकि अगर आप कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो जिस तरीके के कनेक्शन यहाँ पर बिठाए तो काफी अच्छे थे. लेकिन ओवरऑल बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि जिस तरीके की तैयारी संदीप रेड्डी वाघा ने करी थी, वो मतलब थोड़ा सा क्लैश ही है मेरे दिमाग में. ये अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देना था तो जवान और एनिमल को मेरे ख्याल से ये शेयर करना चाहिए था यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है. बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स से. स्टे कनेक्टेड, बाय बाय.